नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जीवन यापन के लिए पैसा बहुत जरूरी चीज है। भारत जैसे देश में सरकारी नौकरी हर कोई करना चाहता है, क्योंकि जहां सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी है, वहीं सरकारी नौकरी में कई ऐसी सुविधाएं भी हैं जिनका लाभ हर कोई चाहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से सरकारी नौकरी में पेंशन को लेकर कुछ समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पेंशन के लिए जो योजना सरकार के पास पहले थी वो अब नहीं है। फिलहाल सरकार न्यू पेंशन योजना के लिए लोगों को पेंशन दे रही है, जिसमें फिक्स पेंशन लोगों को नहीं मिलती, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली की मांग सालों से की जा रही है। अब इसी मांग को ध्यान में रखकर सरकार ला रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हालांकि अब इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार इस नई स्कीम को क्यों ला रही है, आपको इसका क्या फायदा और क्या खामियाजा होगा, चलिए सब कुछ बताते हैं डिटेल में। सरकारी नौकरी और पेंशन का पुराना नाता है। हालांकि 2004 के बाद सरकारी नौकरी पाने वालों को पेंशन का वो लाभ नहीं मिल पाता जो पहले मिला करता था। पेंशन के नाम पर उनको एनपीएस मिलता है, जिसका कुछ शेयर खुद नौकरी करने वाले लोगों को शेयर करना पड़ता है। हालांकि लोगों की पुरानी पेंशन की मांग को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ नया करने की कोशिश जरूर की है, और वो नया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे सरकार अगले साल से लागू करने जा रही है। अब ये क्या है, कैसे काम करेगी, चलिए बताते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी, इसलिए एनपीएस का लंबे समय से विरोध हो रहा था और इसमें बदलाव की मांग उठ रही थी। एक वर्ग जनवरी 2004 में खत्म ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा वापस लाने की मांग कर रहा था, जिसमें निश्चित पेंशन मिला करती थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या नया है? यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तय पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर किसी की आखिरी सैलरी 60,000 थी तो उसे 30,000 पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी को 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है और उसका निधन हो जाता है तो परिवार को 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो भी उसे मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक यूपीएस का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 के बाद से एनपीएस में कवर्ड थे और रिटायर्ड हो चुके हैं। अब ये तो हुए वो फायदे और नियम जो सरकार गिना रही है। अब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से असहमति जताने वाले एम्प्लॉय यूनियन कई दलीलें दे रहे हैं। जैसे अभी न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में 10% अंशदान कर्मचारी देता है और 14% सरकार। आखिर में रिटायरमेंट के वक्त दोनों को मिलाकर जो पैसा होता है उसका 60% कर्मचारी को लौटा दिया जाता है, बाकी 40% पेंशन प्लान में जाता है। अब यूपीएस में भी कर्मचारियों को 10% अंशदान देना होगा। इसका मतलब यह है कि सरकार कर्मचारी का पैसा तो अपने पास रखेगी ही, अपना अंशदान भी अपने पास रखेगी। देखा जाए तो एनपीएस में बदलाव की सरकार की योजना कई गैर बीजेपी राज्यों द्वारा डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने के फैसले और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने के बाद आई है। ऐसे में जहां बहुत से लोग इसके फेवर में हैं तो बहुत से लोगों को इस स्कीम से परेशानी भी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।